हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको इंडिविजुअल प्लॉट दिखाने के लिए आए हैं जो कि नत्थूपुर गोलंबर के पास है। ये देखिए, ये सामने से 20 फीट का रोड आया है और जस्ट यहाँ के बगल से 18 फीट का रोड आया है जो एकदम फोर लाइन से नजदीक, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे फोर लाइन है। और जस्ट यहाँ बगल में इस लोकेशन में नत्थूपुर गोलंबर है जो मुश्किल से 200 मीटर का डिस्टेंस पे है। और ये देखिए, ये प्लॉट है, ये पिलर दिख रहा है, यहाँ से इस पिलर तक है और आगे है पिलर तक। और ये बगल से आपका 16 फीट का रास्ता यहाँ गया है। पटना जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये प्लॉट है। ये देखिए, ये रास्ता है और यहां से प्लॉट है। तो जिनको भी मकान बनाने के लिए चाह रहे हैं कि घर बनाना है तो ये प्लॉट आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया है और बहुत फास्ट डेवलपिंग एरिया है। यहाँ पे नए नए मकान बन रहा है नत्थूपुर गोलंबर के पास। पटना डोभी जो फोर लेन है, फोर लेन से मात्र आपका 100 मीटर का डिस्टेंस ये प्लॉट है। ये देखिए, सोलह फीट का रास्ता ये आपका प्लॉट के सामने से आया हुआ है, पोजीशन वगैरह लिया हुआ है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अभी हम जस्ट आपका फोर लाइन का कनेक्टिविटी सारा दिखाने जा रहे हैं और जहां गोलंबर बन रही है एरिया आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पटना डोभी फोर लेन है जो बन के कम्प्लीट है। गाड़ी आ जा रही है, चालू हो गया है, यहाँ से लोग आना जाना चालू कर दिए हैं। और यहाँ इस लोकेशन में आपका प्लॉट है, जैसे मुश्किल से 200 मीटर का डिस्टेंस पे प्लॉट है। और ये इस एरिया में देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पे नत्थूपुर गोलंबर बनने वाली है और यहाँ से पटना डोभी फोर लेन भी निकल रही है। ये फोर लेन देखिए आगे, बस यहाँ से जो मेन है सरिस्ताबाद बाईपास, जहां से मेन फोर लेन निकली है बेटा सर, पटना बख्तियारपुर जो फोर लेन है वो सरिस्ताबाद के पास 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये आपका सत्तरफीट सरिस्ताबाद बनने जा रही है। और ये है आपका यहाँ से पटना जंक्शन, यहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे होने जा रही है। तो जिनको भी इस लोकेशन में प्लॉट लेना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, नंबर पे कॉल कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।